नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव और वक्त हो गया है अब तक की बड़ी खबरों का। श्रीनगर के एनआईटी कैंपस में तिरंगा फहराने वाले छात्रों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, सीआरपीएफ की दो टीमें तैनात। केजरीवाल ने कहा बीजेपी पीडीपी बंद करे अत्याचार। 25 अप्रैल से शुरू होगा संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण, 23 मई तक चलेगा सत्र। जीएसटी विधेयक सहित कई प्रमुख विधेयकों के पारित होने की उम्मीद। पुणे एयरपोर्ट पर पकड़ा गया आईएसआईएस का एजेंट अब्दुल रऊफ, देश छोड़कर दुबई के रास्ते से जाना चाहता था सीरिया। कर्नाटक के भटकल का रहने वाला है रऊफ। राहुल राज पर टीवी एक्ट्रेस प्रत्युषा बनर्जी को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज, आज हो सकती है राहुल की गिरफ्तारी। भारत के रक्षा बजट से डरा पाकिस्तान, पाक के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नसीर खान जंजुआ ने पाकिस्तान के लिए बताया खतरा, पाकिस्तान को बताया शांति प्रिय देश। ईरान को रूस देगा अत्याधुनिक मिसाइलें, इसराइल ने जताया विरोध, 2007 में हुआ था समझौता। और सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को लगाई फटकार, कहा खेल को बढ़ावा देने के लिए कुछ नहीं किया, बीसीसीआई ने 11 राज्यों से फंड नहीं मिलने की दी थी जानकारी। ये तो थी अब तक की बड़ी खबरें, खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए डीवी लाइव।